दोस्तों, यदि आप भी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और आपके भी फ़ोन से गलती से आपकी पर्सनल फ़ोटो या वीडियो या डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है, तो आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं जहां से आपका फ़ोटो यदि गलती से डिलीट हो जाता है, आपकी वो पर्सनल फ़ोटोज़ होती है, डॉक्यूमेंट होती है जो डिलीट हो जाता है, उसे आप बहुत ही आसान तरीके से रिकवर कर सकते हैं। यदि आप प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं जो आपके गैलरी के ही फ़ोटो शो करते हैं, लेकिन जो हम आपको ट्रिक बताने वाले वो वहां पर गैलरी की फोटोज नहीं शो होते हैं, जो आपकी डिलीट फोटोज होती है वही वहां पर शो होती है। वहां से आप बहुत ही आसान तरीके से रिकवर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और वीडियो को कहीं पे भी स्किप भी नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम फोटो को रिकवर करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए। आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करोगे वीडियो के एंड में बता दूंगा, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है फोटो रिकवरी का। यहां से आप लोग फोटो रिकवर कर सकते हैं, वीडियो रिकवर कर सकते हैं, प्लस यहां पर आप अगर यदि गलती से ऑडियो वगैरह भी डिलीट हो जाता है तो उसे भी आप लोग रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज रिकवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्लीज स्टार्ट स्कैनिंग। तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर नीचे की तरफ आना है। अब यहां पर नीचे की तरफ आएंगे ना, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टार्ट स्कैनिंग का, यानी कि इस वाले ऑप्शन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपके फोन के अंदर जो फोटोज जो वीडियोज डिलीट होता है, सबसे पहले ये उसे स्कैन करके ढूंढता है कि कौन सा फोटोज और कौन सा वीडियोज डिलीट हुआ है। और यहां पर हम लाइव आपको दिखाएंगे कि हमारी गैलरीज के शो हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ यहां पर जो एक दो होते हैं फोटोज वो गैलरी के भी आ जाते हैं तो सभी लोग कंफ्यूज होता है और कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करते हैं कि भाई गैलरी के ही सारे फोटोज होते हैं, तो गैलरी के सारे फोटोज नहीं शो होते हैं, एक या दो फोटोज आ जाते हैं। तो यहां पर इस हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्कैनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर एप्लीकेशन परमिशन मांगेगा, तो यहां पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, परमिशन दे देना। तो हम यहां पर एप्लीकेशन को यहां से ऑन करके परमिशन दे देते हैं। अब उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट स्कैनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे स्टार्ट स्कैनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से स्कैन होता है, यहां पर आप देख सकते हो। अगेन हम यहां पर कर लेते हैं, तो यहां पर स्कैन होगा तो कितने फोटोज और कितने वीडियोज यहां पर हैं, तो यहां पर देखो 20 फाइल्स दिखा रहा है और वीडियोज हमारा एक भी नहीं दिखा रहा। तो यहां पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देख सकते हो जो फोटोज हमारा डिलीट हुआ है वो फोटोज यहां पर आपको शो होगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर हम आपको भी दिखा देंगे कि ये फोटोज हमारे फोन के अंदर है या नहीं है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो ये फोटोज जो है यहां पर शो हो रहे हैं, उन्हें हम यहां पर विजिट करके भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये वाला फोटोज हो गया, इसे भी हम लोग यहां से देख सकते हैं। यहां से हम लोग बैक कर लेते हैं उसके बाद, और यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ भी आप देखोगे जितने भी फोटोज यहां पर शो हो रहे हैं सारे फोटोज आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जो डिलीट होते हैं गलती से वो सारे फोटोज को आप यहां से चेक कर सकते हैं। काफी अच्छी फोटोज यहां पर आ जाती है और ये सारी फोटोज जो क्वालिटी भी होती है ना वो काफी अच्छी क्वालिटीज होती है, ऐसी नहीं होती कि कोई फेक क्वालिटी रहेगा, मतलब लो क्वालिटी की आप लोग डाउनलोड करोगे, काफी अच्छी क्वालिटी होती है। तो यहां पर हम क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद यहां से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर एक दो जो तीनों फोटो इसे आप लोग रिस्टोर कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर इसे सबसे पहले हम रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से हम रिस्टोर कर लेते हैं। जो अब हमने फोटो रिस्टोर किया हुआ है, अब यहां से हम आपको गैलरी ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर हम गूगल फोटोज ओपन करते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा फोटोज था वो रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर फर्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन को भी ओपन कर रहे, तो अब यहां से सिंपली सबसे पहले इसे हम परमिशन मांग रहे तो बैक करते हैं, उसका दिखे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, स्किप यहां पर कर लेंगे हम, उसका लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर देख सकते हो ये तीन फोटो हमने आपको दिखाया था, यहां पर सबसे पहले ये वाला फोटोज, उसके बाद ये वाली फोटोज आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में आई है, ऐसा भी नहीं कि लो क्वालिटी, और क्वालिटी आप देख सकते कितनी अच्छी क्वालिटी से, अच्छी क्वालिटी में यहां पर हमारा फोटो जो हुआ है डाउनलोड हुआ है। और यहां पे हम करते हैं एक और फोटोज था हमारा, तीन फोटो था ये वाला देख सकते हो, ये तीनों फोटोज यहां पर इस फोन के अंदर नहीं था और ये तीनों फोटो हमने अभी आपके सामने ही रिस्टोर किया। इसी प्रकार से आप सारी फोटोज जो होती है सभी फोटोज को रिस्टोर कर सकते हो, जो वीडियोज होती है उसे भी आप लोग रिस्टोर कर सकते हो, और यहां से 100% क्वालिटी वाली आप यहां पर रिस्टोर कर सकते हैं।